कितनी बार आए लोग अपना हक मांगने, सम्मान मांगने, इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में, असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोगों ने पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये पार्लियामेंट्री भाषा है लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे सबसे ज्यादा मोबाइल और सबसे ज्यादा लैपटॉप काम आया। अगर ये नहीं होते लैपटॉप और मोबाइल छाए, तो हमारे लोग कमरों में बंद रह के, घरों में बंद रह करके न जाने कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती। कम से कम मोबाइल और ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप थे जिन्होंने हमें और आपके जोड़ करके रखा। कुछ समय उससे अच्छा गुजर गया, बीमारी में हमारा साथ दिया उसने। और सोचिए, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते और मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला। और याद कीजिए, अगर कहीं आप समाजवादी सरकार में रहे होंगे तो कोई गांव नहीं छूटा, आपके समाज के भी कुछ बच्चों को मिल गया हुआ लैपटॉप। और आप जानते होंगे जिस परिवार में लैपटॉप मिला है, आप बताओ कि किसी गांव में मिला कि नहीं मिला लैपटॉप। और इस सरकार में इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले कह दिया, डीएनए की बात कह दी, पता नहीं डीएनए क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे डीएनए क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनए नहीं मिलता उनका जो भगवान को नहीं पूछते। हम तो भगवान राम को पूछते हैं, बताओ आपका डीएनए अब क्या है। मैंने कहा कि डीएनए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते, और आगे की बात मैं नहीं कहूंगा। डीएनए उनके हाथ में नहीं है, वो बायोलॉजी वाले लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग समझ जाएंगे। आधी अधूरी बात छोड़ रहा हूं टीवी के लोगों के लिए, क्योंकि वो योगी हैं, इसलिए डीएनए वाली बात हम उनसे नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो योगी हैं? ये सही कहा आपने कि नेताजी का सम्मान से नाम नहीं लिया, लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को पूछते हैं तो तू भी कह देते हैं, गाना बनता है। तो जो इन्होंने जो गाना बनाया था तो उसमें सम्मान की जरूरत नहीं थी, गाना ही सम्मान था, उनका भाव और गाने के शब्द ही सम्मान के थे। लेकिन ये अलग बात है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको माफी मांगनी थी तो इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। सोचो हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या है, अभी नेताजी के बारे में क्या कहा उन्होंने, हम लोग नहीं उस झगड़े में फंसेंगे। लेकिन असली लड़ाई यह है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा तो सबका भाग्य खुलेगा। ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास रोक दिया, इन्हें विकास पसंद ही नहीं है, और इनका विकास केवल विज्ञापन में है और केवल प्रचार में है, और कहीं विकास नहीं दिखाई देगा इनका। और जब कभी इनके ऊपर संकट आता है तो न जाने कहां छिप जाते हैं जाकर के। इन्होंने अभी तक अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, संकल्प पत्र का पहला पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने। आप उठाइए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, सबसे पहला लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, हम और आप सब किसान हैं, सबकी खेती बाड़ी है, कुछ ना कुछ पैदा करते हैं। बताओ किस पैदा, किस फसल की आपको कीमत दुगनी मिली है, किस पैदावार का आपको दुगना लाभ मिल गया, ना गेहूं का मिला, ना धान का, ना गन्ने का, ना आलू का, किसी का नहीं मिला। ये सब किसान है और खेती करने में माहिर लोग हैं, ये सब आपसे अच्छी खेती कोई नहीं कर पाता। फल सब्जी से लेकर के खेती
का काम अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम और आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। और जो कानून ले आए उससे सब छिन जाएंगे खेत, ये बचेंगे नहीं खेत। अभी कह रहे थे कि कश्मीर में प्लॉट ले लो आप, फिर कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है यहां से चले जाएंगे कुछ लोग, सब प्लॉट जमीन मिल जाएगी आपको। बताओ अन्नदाता के लिए क्या कह रहे हैं कि वो अन्नदाता लोग हैं जिन पे जमीन नहीं है, जिनकी जमीन छीनी जाएगी। सोचो ये कह रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे सावधान रहना, गांव में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं किसानों की जमीन छीन करके हम दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, ये किसी को जमीन नहीं देंगे। ये जमीन अगर छीनेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे जो आंख लगा करके बैठे हैं कि कब कानून पास हो जाए और जमीन हमारे हाथ में आ जाए।